स्ट्रॉन्ग में एक एथलीट है जिनको मैं 2017 से उनका नाम सुन रही थी, नदीम सुल्तान। सो बहुत रिजर्व लगते हैं, लेकिन मुझे लगा वो कटिंग पे होंगे। अमेजिंग फिजिक, मेंस फिजिक खेलते थे पहले वो, पर अब वो क्लासिक फिजिक का क्लासिक बॉडी बिल्डिंग करेंगे और एकदम अलग ही स्ट्रक्चर निकल कर आया इनका। आप इधर आ जाओ, ठीक है ना, अब हम बात करेंगे। सो कैसे हो आप नदीम? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और मुझे पता नहीं था कि नदीम जो है वो मालवे नगर से ही है, क्योंकि मालवे नगर मेरा बचपन की जगह है। सलीम कॉर्नर, कबाब कॉर्नर और मोती स्वीट। चंगेजी कब से आ गया? यासीन कहाँ पे? करीम के बगल नीचे। करीम, अच्छा वो तो अभी नए खुले है ना, पुराने में से चिक फिश था। हाँ है ना, और मोती स्वीट बहुत पुराना है, छोले भटूरे वाली दुकान बहुत है वो, है ना। तो अच्छा लगा, मुझे थोड़ा टाइम लगा इनसे बात करने में, क्योंकि आधे घंटे तक तो मैं सोची थी बात करूँ और ना करूँ, बिकॉज ही लुक्स वेरी रिजर्व एंड आई थॉट ही इज इन प्रेप, बिकॉज इनकी बॉडी देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जैसे स्टेज पे। ओए ओए क्या बात है। तो मुझे आप थोड़ा सा बताओगे कि जो आजकल हर कोई क्लासिक बॉडी बिल्डिंग खेलता है, मतलब लोग बॉडी बिल्डिंग की पोजिंग करते हैं उसके अंदर, और क्या डिफरेंस है इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में आपके हिसाब से? तो बॉडी बिल्डिंग में यू डोंट नीड सो मच कंडीशन। हाँ, आपको सिर्फ थोड़ा मसल मास ज़्यादा चाहिए। हाँ, राउंड बॉडी चाहिए, राउंडेड क्वाड्स चाहिए, और ज़्यादा आपको कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्लासिक फिजिक में क्या है, क्लासिक फिजिक बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी है। आपको एस्थेटिक होना है, आपको ब्यूटीफुल दिखना है, यानी बॉडी विद ब्यूटी। तो ब्यूटी में आप देखो इनके बाल देख सकते हो, वाइड होता है। हाँ, जो क्लासिक फिजिक का स्ट्रक्चर होता है ना वो राउंड नहीं होता, वो वाइड होता है। जब वो वाइड होगा तो आपका वी टेपर आएगा। अच्छा, जितने ये डेल्ट, ये लेटरल डेल्ट जो होते हैं, ये आउटर डेल्ट, इनको नदीम को ना आपकी शक्ल बड़ी पसंद आई है, ठीक है ना, क्योंकि बात मैं कर रही हूँ और वो मुंह उन्हीं का देख रहे हैं। मेरे मुंह पे कुछ बुराई है क्या? तो अभी आप बाहर कम्पीट करेंगे और मैं प्रेयर करूंगी, दुआ करूंगी कि आप बाहर से प्रो कार्ड जीत कर आओगे। इंशाल्लाह ज़रूर जीतोगे आप, ठीक है। और अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि जो नॉलेज होती है ना वो कहीं से भी मिले ना उसे बटोर लो, बिल्कुल बटोर, ठीक है ना। तो मैं तब से, एज मेरे लिए मैटर नहीं करता कि आप 27 के हो या आप 37 के हो, मेरे लिए मैटर करता है कि जो नॉलेज होती है ना वो इंसान को बहुत मेच्योर बनाती है, और वही मेरे ख्याल से वो किसी भी एज में हो सकती है, और आपकी एज इतनी कम है। माई गॉड, इजंट इट लुक लाइक रोमन रेंज विदाउट टैटू? आपके लिए थॉर हथौड़ा दे दूं क्या? यार ये वैसे हथौड़ा सूट बहुत करेगा आप पे। कोई नहीं, एक हथौड़ा का सूट भी कर लेंगे। लेकिन इनकी स्माइल देखो, ये लुक सो, जब ये हंसते हैं तो कितनी प्यारी स्माइल है, पता नहीं किसके लिए बचा के रखी हुई है ये, भगवान जाने। तो जो भी है, बहुत अच्छा लगा नदीम बीइंग स्ट्रॉन्ग के, बहुत ही अच्छे एथलीट है ये, और बीइंग स्ट्रॉन्ग भी भाई ढूंढ ढूंढ के लाते हैं सब कुछ ना, बेस्ट बेस्ट है इनका। एक पोज दे दो यार।